वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा तिलक विद्यालय इंटर कॉलेज में वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें एटा से रामलाल कुशवाह निर्वाचन अधिकारी रहे, जिसकी जानकारी एसआरके इंटर कॉलेज के व्याकरण आचार्य डॉक्टर गया प्रसाद भारद्वाज ने दी। जी, किस तरह का यहाँ चुनाव किया गया था, क्या है? कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मागुड़ का तिलक विद्यालय इंटर कॉलेज में वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें एटा से रामलाल कुशवाह निर्वाचन अधिकारी रूप में आए और पूरा दो पैनल लड़े, जिसमें एक में उमेश चंद्र यादव जिला अध्यक्ष पद के लिए, देवेंद्र तिवारी जिला अध्यक्ष पद के लिए, दूसरे राजीव शर्मा मंत्री पद के लिए और ब्रजनंदन सिंह यादव मंत्री पद के लिए। पूरी सब डेलीगेट ने वोट डाले और शाम को 5 बजे परीक्षा परिणाम आया, जिसमें उमेश चंद्र यादव 5वीं बार जिला अध्यक्ष भारी बहुमत से विजयी हुए, उनको 126 वोट मिले और देवेंद्र तिवारी को मात्र 26 वोट मिले, राजीव शर्मा को 116 वोट मिले और ब्रजनंदन सिंह को 38 वोट मिले। उसके साथ में शेष पदाधिकारी शर्मा गुट के ही विजयी हुए और ऑडिटर, आय व्यय निरीक्षक, जिला कार्यकारिणी निर्वोध पहले ही निर्वाचित हो चुके। उमेश चंद्र यादव का कार्यकाल काफी अच्छा है, उन्होंने शिक्षकों के हित में काम किए हैं, लगातार शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं, लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उनको भारी बहुमत से विजयश्री मिली और वो 5वीं बार जिलाध्यक्ष पद कार्य करके उन्होंने वायदा किया है कि लोगों की शिक्षकों की समस्याओं को दूर कराएंगे, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखेंगे और जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय में व्याप्त अनियमितता है, लोगों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास करेंगे, एरियर है, वेतन भुगतान है, समय समय से नहीं हो पा रहा है, इसके लिए प्रयास करेंगे। ये सब बातें कल इलेक्शन में उमेश चंद्र शर्मा जीतने के बाद में।